मेरा नाम शकील है, मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं सफ़ेद यही नोदेपारा में रहती हूँ। मैं तहकाल से यहाँ पर भी आई गई हूँ, वहाँ से मेरी शादी यहाँ हुई। ये मेरे मामू का घर है, तो मैं पहले भी सबक भी पढ़ती थी और अम्मी के साथ ये एम्ब्रॉयडरी का काम भी करती थी। फिर मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरे हस्बैंड का कोई काम नहीं था, हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा मशीन ले लिया। फिर उससे मेरा गुजारा नहीं होता था, फिर मैंने इस इदारे से हीवेट से कर्ज़ा लेकर एक अच्छा मशीन खरीद लिया, जिससे हमारी रोज़गार में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ और मैं कुछ पैसे कमाने लगी। उससे मेरे हस्बैंड का भी गुजारा होता था, मेरा मेरे बच्चों का भी। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड के पास भी नौकरी है, मैं अपना काम भी करती हूँ, तो हमारा गुजारा बहुत आसानी के साथ हो जाता है। पहले जब एक वक्त का खाना मिलता है, तो अब तीनों वक्त का खाना बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। पहले जब एक दिन काटे थे, तो दूसरे के बारे में सोचते कि कल क्या होगा। जब औरत अपना काम करती है, तो वो किसी के सामने हाथ फैलाने से बच जाती है ना, तो वो अपने शोहर से मांगती है, बल्कि जब शोहर पर बुरा वक्त आता है, तो बीवी उनका साथ देती है, औरत ही उनका साथ देती है। हमेशा एक अच्छे मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, कामयाब मर्द के पीछे। मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिसकी वजह से मुझे एक नई मशीन मिली है। मशीन तकरीबन 24-25 हज़ार की मिलती है, वो मैंने ले ली है। उसकी वजह से मैं आज बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैं तकरीबन 800 रुपये रोज़ कमा लेती हूँ, जिससे हमारे घर का गुजारा बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है। मैं अपनी बच्ची का 1500 रुपये स्कूल का फीस देती हूँ, उसके अलावा घर का खर्चा भी चला लेती हूँ। के आखिरी इलाका है, पसमंदा इलाका है, या सर्दियों में 6 महीने कट ऑफ रहती है दूसरे इलाकों से, ये तो इस वजह से इधर पसमंदा की बहुत ज़्यादा है। सीज़न में 4-5 महीने इधर जो कुछ आता है, टूरिस्ट आते हैं, या इससे थोड़ी बहुत ज़रिए माश होती है, तो इधर ज़िंदगी बहुत टफ गुजरती है लोगों की। मेरा नाम अब्दुल हलीम है, वादी कैलाश मुंगेर से मेरा ताल्लुक़ है, और मैं इधर टेलरिंग का काम करता हूँ, कपड़े सीता हूँ जेंट्स के, और साथ साथ छोटा सा मेरा किराने का दुकान भी है। पिछले साल सर ये यजदान साहब इधर आए, इनकी हमारे हमसे उनकी मुलाकात हो गई, तो उसने इस इदारे के बारे में हमसे बातचीत की, हमने इसमें इंटरेस्ट लिया और उससे हमने लोन ले लिया, 24,000 रुपये का लोन। अल्लाह के करम से उससे हमें काफ़ी ठीक ठाक फायदा हो गया, और पहले की नस्बत हमारे कारोबार बढ़ गया। थोड़ा बहुत कारोबार करते थे, उससे हमने अपने कारोबार बढ़ा दिए, और एक साल की लोन थी वो हमने उसके दौरान में पूरा कर दिए, 6 महीने में हमने पूरा कर दिया, साल के लिए लिया था हमने, तो इससे हमारे कारोबार में काफ़ी तरक्की हो गई। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सूद से पाक है, इसलिए इसमें बरकत है। जो पहले हम लेते रहे मुख्तलिफ जगहों से, थोड़ी बहुत लेते रहे, तो वो 15% या 16% पे हमें देते थे, 20,000 या 30,000 रुपये, उसमें ये बात थी कि वो हमसे ज़्यादा मुनाफा लेते थे, तो वो हम मुनाफा पूरा नहीं कर पाते थे उससे। लेकिन इन्होंने दे दिया बिल्कुल कर्ज हसना के तौर पर, हमें दिया जो लिया वही हमने वापस कर दी, तो इससे फ़ायदा हमें बच गया, और जो उनसे लिया था वो हमने उनको दाखिल कर दिया, दे दिया।
इधर सराय फरबोजा में रहती हूँ. वैसे बेसिकल कश्मीर की रहने वाली हूँ. 3 साल हुए इधर आए हुए. तो ये प्रेस वालों के साथ मेरा जब रब्ता हुआ, वो आए मेरे घर, देखा मुझे बात की. उन्होंने मुझे 25,000 24,000 का लोन दिया है. उससे मैंने सिलाई सेंटर का है, वो सिलाई सेंटर खोला है, अल्लाह का शुक्र है. उससे मुझे काफ़ी जो है ना फ़ायदा हुआ. मेरा घर का निज़ाम चल रहा है. मेरे मियाँ जो है ना वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं. माशाल्लाह बच्चे भी हैं, तो इनकी पढ़ाई भी है. तो अल्लाह का करम से मुझे इसके जो ना फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से मैं आगे ये और चला रही हूँ और लोगों को भी दे रही हूँ. उनका भी माशाल्लाह फ़ायदा है. वो टाइम पर मुझे किस्तें भी देते हैं. पूछा आपने कहीं काम किया या लोन लिया? लोन तो मैंने लिया नहीं था. खुद वालों के साथ काम किया. तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका एक्सपीरियंस भी है, चलो आप काम करें और आप भी कुछ करना चाहती हैं तो करें. मैंने कहा भाई मेरा शौक है कि सिलाई सेंटर का. मैंने कहा चलो ठीक है. उन्होंने 24,000 रुपये मुझे दिया है. मैंने कोई मशीनें ले ली हैं और लड़कियों को इकट्ठा किया. वो उनसे फीस लेती हूँ महीने की. तो बाद ऐसे लोग इधर सब जल्दे के कश्मीर के आए हुए हैं, सब मजबूर हैं. तो किन का घर भी नहीं है, कोई अभी बना रहे हैं. तो हर एक इंसान जो है ना काम के सिलसिले में मेरे पास आती हैं, वो सीखती हैं. तो फिर जो है ना उनको मैं सिखाती हूँ यहाँ पे. वो फीस मुझे देती हैं, उसके हिसाब से मेरा घर का निज़ाम भी चलता है. और मैं उसके आराम से जो है ना उसकी किस्त भी देती हूँ, 2,000 रुपये महीने किस्त. और जब देने के लिए इधर ही साथ ही तुरनोल हमारा जो एक बैंक है, हमारे कोई मुश्किल नहीं होती. जो हम आसानी से बैंक में जा कर जमा करवा के आ जाते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है हमारे. अच्छा, पहले हालात थोड़े ऐसे थे, बस मुश्किल से घर का निज़ाम ही चलता था. अब ये लोन भी दे सकती हूँ और बच्चों की मतलब ट्यूशन भी लगाई हुई है. हालात बेहतर हो गए हैं. अच्छा, HEWT का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. जो हमारे इलाके में आए हैं तो हमारे साथ जो है उन्होंने ये स्टार्ट किया है. तो बाकी लोग भी सब भी जो भी सुनते हैं वो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. ये यहाँ पर आए हमारी जो है ना काफ़ी सारी औरतें जो ऐसे घर में बैठी हुई थी, माशाल्लाह वो 12,000 होने लगी हैं आस्ता आस्ता. जो पढ़ी हुई हैं तो उन्होंने ट्यूशन सेंटर भी खोलने के लिए तैयार हैं. उन्होंने खोला हुआ भी है, दो ने खोला हुआ है. बाकी जो है ना अभी चाहती हैं हमें भी दो लोन, तो हम भी जो है ना ये काम को स्टार्ट करें. ₹24,000 डॉलर रेट जो आप देख रहे थे, दैट वाज फ्यू इयर्स अगो, 10 रुपये या 100 रुपये के था, नाउ इट्स 50 or 60. तो 24-25 हज़ार रुपये इज If you go to a nice restaurant, 4-5 people have dinner. ये जो स्टोरीज थी, पहली स्टोरी थी शकीला बेगम की, दूसरी अब्दुल हलीम की और तीसरी सलीमा बीबी की थी. फिर हम लोग कुछ और ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं, जैसे कुरंगी में है एक, वहाँ पर मेमन इंस्टीट्यूट टेक्निकल ट्रेनिंग का है, मिट्टी कहते हैं. तो दे प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू boys and girls. So we have a memorandum of understanding with them that जो भी बच्चियाँ सिलाई या कढ़ाई की कोर्स करके कम्प्लीट करके निकलेंगी, तो दे हैव द फाइनेंशियल डेटा, दे नो हु इज मोस्ट डिजर्विंग. सो वेन दे फिनिश देयर स्कूल देयर सिलाई कढ़ाई, देन वी प्रोवाइड देम अ मशीन एंड द रॉ मटेरियल सो दैट दे कैन राइट एंड स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. सो सो दीस टाइप ऑफ थिंग्स. एंड देन वी हैव फ्यू अदर पीपल हु वी आर वर्किंग विद. How you can help, basically, you can be brand ambassador, you could be volunteer, you could donate, you can, if you like the story. I think it's people who haven't eaten, they might be hungry now. I don't want to be in the middle of your dinner, but if you have any questions, you can ask them now or later. Zahid Bhai is here, I'm here. Thank you for your time. Very inspiring.